بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अज़ीज़ान मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज की ये हसी महफिल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, सबसे पहले तो लफ्ज़ पे गौर करना है कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, महफिल मिलाद मिलाद मुस्तफ़ा जिनके घर में है बानी महफिल जनाब मोहम्मद शहबाज साहब व बरादरान, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने आपका की महफिल सजाई और हम ये कहते हैं कि जिस महफिल में दो बंदे बैठ के भी आत्मा का जिक्र करते तो वो महफिल हो जाती है। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, इनके माल में, इनकी जान में, इनके कारोबार में अजाफा फरमाए जिन्होंने ये आत्मा की महफिल को सजाया। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और जिक्र खुदा करें और जिक्र मुस्तफ़ा न करें, जिक्र खुदा करें और जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बाँ खुदा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बाँ खुदा न करें। और इस महफिल पाक का बकायदा आगाज कुरान करीम फरकान हमीद की तलावत से दिया जाता है जनाब हाफिज रफीउल्लाह साहब के वो आए और कुरान करीम फरकान हमीद की तलावत से हमारे दिल को मुनव्वर फरमाए। जनाब हाफिज रफीउल्लाह साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسى
أنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين सुभान अल्लाह अज़ीज़ान मोहतरम जनाब आप सब बड़े प्यारे अंदाज में कुरान करीम फरमान हमीद की तलावत से हमारे दिलों को नूर फरमा रही थी। आओ ज़रा हम भी कुरान से पूछते हैं तो कुरान तुम बताना तो किसका कारी है। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे आपका का चेहरा तो बता। कुरान कहता है बद दुहा
मैंने कहा कुरान आपका का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक। मैंने पूछा कुरान आपका की जुल्फें बता, कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आपका की यतीमी बता, कुरान कहता है अलम यजिदुका यतीमन फआवा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आता की होंड बता, कुरान कहता है वालिसानम मा शफाताइन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आता की नबुव्वत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। मैंने कुरान से पूछा कुरान आता की हतम नबुव्वत बता, कुरान कहता है इन्नल्लाह वमला, कुरान कहता है मकाना मोहम्मदन अबा हादिमिर रिजालिकुम वला फिर रसूल अल्लाह वहातमन नबीयीन। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि सारा कुरान तेरा रंग बयां लगता है। अरे सारा कुरान तेरा रंग बयां लगता है, इस पतवारी हूँ ये तेरी जबान लगता है। जब भी नासिर सुए फलाक नजर उठती है, चांद मुझको तेरी येरी का निशान लगता है। जब भी नासिर सुए फलाक नजर उठती है, चांद मुझको तेरी एरी का निशान लगता है। और अज़ीज़ाने मोहतरम, हमारा यह ईमान है, हमारा यह अकीदा है कि हकीकत सच सदा बोले आए। जिस बंदे को समझ आवे बंदा जरूर बोले सुबहान अल्लाह। क्योंकि शायर कहता है चुप चुप बंदा तो बोर लगता है, खुश होवे तो होर लगता है, पूरे नब्बे नेतियां मिल दिया सुबहान अल्लाह तो फिर जोर लगता है। बुलंद आवाज ना बोलो जरा सुबहान अल्लाह। शायर कहता है हकीकत सच सदा बोले आए, हकीकत सच सदा बोले आए, जबाने नबी जो खुदा बोले आए, ओ लफ्ज सारे कुरान बन गए जेरे भी मेरा मुस्तफा बोले आए। ओ लफ्ज सारे कुरान बन गए जेरे भी मेरा मुस्तफा बोले आए। क्योंकि कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, तो रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। उंज ते है सारा जहान सोना पर अरबी चन दा जवाब कोई नहीं, उंज ते है सारा जहान सोना पर अरबी चन दा जवाब कोई नहीं। कहीं नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय रिसालत, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी, नाराय गौसिया। अजीजा ने मोहतरम नकाबत के दौरान स्टेज की जीनत बनी जनाब मरकजी बज़्मे लसानी शाहदरा के सदर सूफी मोहम्मद बसीर नक्शबंदी साहब दिल की अठारह बुराइयों से खुशाम दिल कहते हैं। और उनके साथ मेहमान हसूसी जनाब मलक मोहम्मद सलीम साहब और मलक मोहम्मद नदीम साहब स्टेज की जीनत बनी खुशामदीद कहते हैं। और ज़ेर नगरानी हाजी बाबा जी रहमतुल्ला साहब स्टेज की जीनत हैं, दिल की अठा दराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और इस महफिल पे जिनकी नज़र हैं उनका नाम है अलीपुर सईदा के जगमगाता हुआ सितारा वलायत उनके वर्दी है, इमामत उनके वर्दी है, विलायत उनके वर्दी है, इमामत उनके वर्दी है। अलीपुर सईदा की सरजमीन का जगमगाता हुआ सितारा बाफिजानी नगर पीर सैयद किबला गुलाम रसूल शाह साहब शेराजी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़ेर नगरानी ये महफिल है। और बिला ताहिर नाते रसूल मकबूल के लिए दावत जनाब वाशिम मुगल साहब जो सरकार की सना बयान करें, बकवास मुगल साहब जो सरकार की सना बयान करें। अज़ीज़ान मोहतरम में छोटा सा शेर उसके बाद भाई के माइक हवाले को शायद कहता है कि मेरे नबी करीम के जिक्र अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी मिठास रखी, जिदा ईमान है बंदा बोले सुबहान अल्लाह। कि मेरे नबी करीम के जिक्र अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी मिठास रखी, सारे अतरा के कस्तूरिया तो वध ओदे पसीने की बास रखी, ओदी याद विच बड़ा सरूर रखिया, हिजर विच पावे रूह उदास रखी, ओ यारा उनू जरूर बुलावन गया था जिन्हें जिन्हें मदीने की आस रखी, ओ यारा उनू जरूर बुलावन गया था जिन्हें जिन्हें मदीने की आस रखी। बिला ताहिर नाते रसूल मकबूल के लिए दावत जनाब बकवास मुगल साहब के भाई और सरकार की सना बयान कर रही हूँ कि आमद से पहले पुरजोश नारा हो जाए, नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय रिसालत, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली 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 है, नाराय हैदरी, नाराय गौसिया, जीवे 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 जीवे, अस्ताना आली अलीपुर सईदा शरीफ पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब शेराजी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله کچھ آپ سے میں توضیح و تشریح نہیں کروں گا صرف سلام پیش کروں گا جناب شہباز صاحب کے جذبے کو کہ اللہ پاک ان کو ہر سال یہ سعادت دیتے ہیں سرکار کی محفل سجانے کا ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک شعر جس کی وجہ سے میں اپنی حاضری کو نامکمل سمجھتا ہوں ایک شعر وہ پڑھوں گا اس کے بعد ایک کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا کوئی زبان خاموش نہ رہے بابا زبلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا تمام احباب نے مل کے میرے ساتھ حاضری لگوانی ہے بہت ہی آسان ہی سی لائن ہے پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی مجھے عشق احمدیہ عطا کیا مجھے عشق احمدیہ عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ایسی جت ہوئی کھیڈاں کھیڈ دے دی ہن تے جی کر دے سب کچھ ہار جاواں اپنے آقا دیاں کرم نوازیاں تو صدقے ہو کے صدقہ اتار جاواں تے جیڑا بخشیا مینوں مقام سیدا اس کرم نو کیویں میں وسار جاواں میرا وس چلے دو جہان سجنے میں حضور دی آل تو وار جاواں ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو
अलैहि व आलिहि। अगनहार निकम्मा ना समझ समय बख्ता अकलत जंदा असी मार छड़िया। जरा कहो सुभान अल्लाह। मैं मस्कीन सा किसे कबूलिया ना, दसा कि मैनू हर एक यार छड़िया। ते बुआ लासानी सरकार दा मन के बह गया मैं, जदों हर एक ने दुरकार छड़िया। सदके जावा जमात लीशा तो मैं ओ इको नजर कीती फड़के तार छड़िया। हो भला हजूर की आल का सल्लो अलैहि व आलिहि। और दो शार कल मेराजे पाके उस दे हवाले नाल पढ़ के इजाजत चाहवांगा। जरा कहो सुभान अल्लाह। ओ रब्बे आलम ने तुझे को बुलाया वहां, जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। कहो सुभान अल्लाह। ए तुहानू मैं अपने आका दा मर्तबा सुना रहा वा। जरा कहो सुभान अल्लाह। ओ रब्बे आलम ने तुझे को बुलाया वहां, जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामका पर भी तू डगमगाया नहीं। रात मेराज की ये हक ने कहा, यूं तो प्यारे हैं मुझको सभी अंबिया। फिर रब ने क्या कहा? मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ, एक तुझसे तो कुछ भी छुपाया नहीं। और आखिरी शेर पेश कर रहा वहां। जरा कहो सुभान अल्लाह। सरकार दी मेराज दा मौजज़ा। वक्त रंगीन घड़ियों में ढलता रहा, राह बिस्तर गरम पानी चलता रहा। उम्मे हानी खड़ी थी मगर बेखबर, जैसे घर में तो कोई भी आया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां, जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम सूफ़ी मोहम्मद बशीर नक्शबंदी साहब सतीश भी जीनत हैं, और अब्दुलरहमान भट्टी साहब भी आए। प्राचा तलोनी से दिल की ठादर आइयों से उन्हें हम शाम दीदी रहते हैं। और महफिल पात में आने वाला हर मेहमान मेहमान खसूसी है।
और हजूर की बात हो जाए के दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नजर उजरे बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नजर उजरे बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और उन्हीं के नाम से पाई फतीलों ने शहनशाही। उन्हीं के नाम से पाई फतीलों ने शहनशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मैं ये कहूँगा कि नामे मोहम्मद की जिसको पहचान नहीं है, नामे मोहम्मद की जिसको पहचान नहीं है, अरे मैं ये कहता हूँ कि वो मुसलमान नहीं है। नामे मोहम्मद की जिसको पहचान नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि दिलों पे गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नजर उजरे बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और उन्हीं के नाम से पाई फतीलों ने शहनशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और क्यों ना सरकार के हुसन की बात हो जाए। सारी कायनात को रब्बे कायनात ने अपनी मर्जी से बनाया। सारी कायनात को रब्बे कायनात ने अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन जब तेरे और मेरे महबूब की बारी आई तो फिर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि रब बात हुआ मेरे महबूबा दस कहो जहाँ तेनू बनाना है। मर्जी नाल बनाए ने नबी सारे सोनिया। मर्जी नाल बनाए ने नबी सारे। मर्जी नाल बनाए ने नबी सारे। दस कहो जहाँ तेनू बनावा मैं जद मेरा महबूब तेरा जी चाहे। हुण ओहो जिहा तेनू सजाना है ते महबूब आतिया एहो जिहा बना मौला मेरी जान जहाना दी जान होवे। जदों तू बोले उदों मैं बोला, जदों मैं बोला उदों तू बोले। साढ़े दोवां दी इको ही जबान होवे ते महबूब आतिया तेरा बातिया जा सोनिया एहो ही धर्म तमा छड़िया। लै कुंजियां दो जग दियां तेरे लई दो जग नूं सजा छड़िया। जा सजना भावें चन्न पिया तोरी दिल बन्ने ते सूरज मोरी। नबियां विचों तेरी सरदारी ते तेरे नाल वेथोरी यारी ते नबियां दी सफ़े अंदर सोनिया जिवें तू सजना कोई सजदा ही नहीं। अजीजा ने मोहतरम सदाएं दरूदों की आती रहेंगी। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी। मेरा दिल यूं सुन के शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे कमली वाले का मिलाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे कमली वाले का मिलाद होता रहेगा। खैर अजीजा ने मोहतरम मुसाफा की जितनी भी तारीफ करते चले जाएं आहर नतीजा ये निकलेगा जरा दरे रसूल पे झुक जावे किसी होर दोबारे पे झुकदा नहीं। ईमान है बोलो जरा सुभान अल्लाह वज वज के सुभान अल्लाह। जरा दरे रसूल पे झुक जावे किसी होर दोबारे पे झुकदा नहीं। पारा चुकिया सोने ने सारिया का भारा कोई भी किसी का चुकता नहीं। तो वो रहमत का है दरिया ऐसा जरा किसी भी रुत में सुकता नहीं। तो ना सिर जिन्ना भी जिक्र रसूल करिए सह मुक जाते जिक्र मुकदा नहीं। ना सिर जिन्ना भी जिक्र रसूल करिए सह मुक जाते जिक्र मुकदा नहीं। उसी आत्मा की तारीफ बयान करने के लिए अगले स्नाहान जनाब मोहम्मद हमारी बजम के बड़े प्यारे स्नाहान जनाब मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब की वाई और सरकार की सलाह बयान करी उनकी आमद से पहले पुरजोश नारा हो जाए। नारा तकबीर ऐसा नहीं यार तुम्हें आ चुके। नाराए तकबीर नाराए रिसालत। मैं गल कहाना जरा बंदा नारे का जवाब नहीं देता उन्होंने मदीने की जियारत नसीब हो जाए। बदवा नहीं दुआए जरा बंदा मेरे नारे का जवाब नहीं देता उन्होंने मदीने की जियारत नसीब हो जाए। तो जरा बंदा दोवें हाथ चुक के जवाब दे मदीने वाले की जियारत नसीब हो जाए। हाथ चुक के नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए वोसिया। जनाब वसीम नक्शबंदी साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। एक बार याखो ज़रा सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं
आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मेरे खलीफा मजाज जनाब सूफी बासिफा बशीर साहेब, जिन्होंने मुझ जैसी नाचीज़ को सरकार की मदद के लिए चुना, और जितने भी मेरे पीर भाई बैठे हैं जनाब मलक नदीम साहब, मलक शफीक भाई साहब, बट साहब, जाहर साहब, हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज अता फरमाए, और इसी तरह मोहब्बत के साथ इस महफलों का सिलसिला जारी रहे। आप जितने बाप भी आए हैं अल्लाह ताला सब की हाजी कबूल और मंजूर अता फरमाए। इस अकीदे के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें कि हम पढ़ते हैं मेरे आका सुनते हैं, मिल के पढ़ो ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदरा सुभान अल्लाह। कोई जिन्ना वे जिन्ना वे जिन्ना वे शान कमाल पाले, आले नबी दा सानी नहीं बन सकदा, क्योंकि दुद्ध 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 ने दुद्ध रहना, दुद्ध कदे भी पानी नहीं बन सकदा। जिन्हों समझ आ समझ आनी ना सुभान अल्लाह नहीं कहना है। कोई जिन्ना विशान कमाल पाले, आले नबी दा सानी नहीं बन सकदा, क्योंकि दुद्ध 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 ने दुद्ध रहना, दुद्ध कदे भी पानी नहीं बन सकदा। ते गुबिता कलब नूरा नी नहीं पढ़ सकता, मौसम गली दलाल ते किक पासे, मौसम अली दलाल ते किक पासे, दूजा पीर गुलाम रसूल शाशरा जी नहीं बन सकदा, दूजा मेरा पीर गुलाम रसूल शाशरा जी नहीं बन सकदा। ते राती जागण जिना नु जाग लगी,
सुन वालिया दे लेख सुते रहंदे। किबला खलीफा साहब बड़ी खूबसूरत बाई के राती जागण जिना नू जाग लगी सुन वालिया दे लेख सुते रहंदे कोई कोई जागण दी यारो पीक देंदा बोत राजे आनो लांदे कुत्ते रहंदे ते मैनू मुश्किल कदी नहीं आर दिती अलीपुर वाले दे कुत्ते रहंदे मैं मंगता अलीपुर दे ताजदार दागा मौजा मान दे जिना दे कुत्ते रहंदे। जे कोई रसूल साडा लोहाब सुटे हरे खून नूं मिठा बना सकदा है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जे कोई रसूल साडा लोहाब सुटे हरे खून नूं मिठा बना सकदा है, रोजे होण भावे छिया महीनिया दे सोना कह के ती करवा सकदा है। जे कर मिलन नमाजा पंजा सानू सोना कह के पंज भरवा सकदा है, ओ साडे पीर नूं साडे पीर नूं साडे पीर नूं रब तौफीक दित्ती अथे बैठ के मदीना वहा सकदा है। मंगता अलीपुर दे ताजदार वेदा मौजा मान दे जिना दे कुत्ते रहंदे। चुके किबला ने फरमाया टाइम चुके मुख्तसर है और साड़ी बजन की खूबसूरती है वे कि जिस टाइम दे अंदर बजम नू रखिया जाए बजम अलहमदुल्ला उस टाइम दे अंदर रहंदी है। तो जेड़े कलाम का मैनू हुक्म होया वो चंद अशार लंबी चौड़ी तमहीद नहीं सिर्फ एक ही कलाम पढ़ के इजाजत एक बारी मुहब्बत ना आखो जरा सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह ताला इस कलाम पाक दा सदका भाई मलक नदीम साहब मलक शफीक साहब इन्हां तों बल्कि सानू सब नू मदीने दी हाजी नसीब अता फरमावे। हाँ करम दी एक नजर होवे मेरे आका मैं तर जामा बुला लेना मैनो दर ते करम दी एक नजर होवे करम ही करम है मदीने दी मिट्टी करम ही करम है मदीने दी मिट्टी अता ही अता है मदीने दी मिट्टी ना पूछो के क्या है मदीने दी मिट्टी अरे अगर पूछना है तो हम दीवानों से पूछो जिनके लिए शफा ही शफा है मदीने दी मिट्टी। मैं तय जावा बुला लेना सबनो दरते किथे रोंदा ना
حرم دی ایک نظر ہو بے مدینہ مدینے کو لی مل جاوے مدینے کو لی مل جاوے میں جنت تو کرم دی ایک نظر ہووے بڑا خوبصورت شعر گناہگاراں ہر ویلے کرم دی لوڑ رہندی لجپالا دمگتا میں علی پور دا منگتا میں غلام رسول شاہ صاحب دمگتا میں غیر آبال کیوں جا کرم دی ایک نظر ہووے اور نعت کو چھڑ کے آخری مقطع کرم ایک بال تے کرنا کہ قدمانا نال لا لینا کدو جدو دنیا تو میں جاوا جدو دنیا تو میں جاوا بڑائی بے جدو دنیا تو میں جاوا بڑائی بے فکر جاوا کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاوا بھلا لینا مینو درد کتھے روندا نہ میں جاوا کرم دی ایک نظر ہووے
सुभान अल्लाह दराने नाथ स्टेज दी सीलन बने आलिम नबील फाजिल जलील अहले सुन्नत यान अहले सुन्नत वी जान अहले सुन्नत वी शान सरमाया अहले सुन्नत प्रोफेसर अहमद रजा अतारी साहब दिल की ठादराइयों से शाम दे कहता हूँ और मेहमान हसूसी जनाब वाशब भट्टी साहब बाबा जी रहमतुल्ला और मलत सलीम साहब और मलत नदीम साहब स्टेज की जीनत हैं। दिल की ठादराइयों से इंतजामिया की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। वाज वाज को बोलो जरा सुभान अल्लाह के नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है अरे उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है और काश बैठते हम मदीने की गलियों में हमें यकीन है कि वहाँ जन्नत से हवा आती है हमें यकीन है कि वहाँ जन्नत से हवा आती है और निगाह फर्द नहीं चेहरा आफताब नहीं वो आदमी तो है मगर देखने की ताब नहीं अरे बना के खुद हालिक ने ये कहा सोनिया मेरा जवाब तो तू है तेरा जवाब नहीं मेरा जवाब तो तू है तेरा जवाब नहीं फिर मैं क्यों ना कहूँ कि कर्म बन के सोना जे आया ना हुंदा कर्म बन के सोना जे आया ना हुंदा गरीबा का दिल मुस्कुराया ना हुंदा वो सानू ते गुनामा दी तो पसार देंदी जे आपा दी रहमत दसाया ना हुंदा सानू ते गुनामा दी तो पसार देंदी जे आपा दी रहमत दसाया ना हुंदा अबिला ताहिर ना तेरे सोले मतबूल के लिए दावत जनाब फाहद भाई तो वो आए और सरकार की सुना बयान करें जनाब फाहद भाई उनकी आमद से पहले नारा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए गौसिया सल्लल्लाहु अलैहि وسلم عليك يا حبيب الله بیمار محمد ہوں نہیں اور دوا میری بیمار محمد नहीं और दवा मेरी तैबा की फजाओं में मुजमिल है शिफा मेरी तैबा की फिजाओं में मुजमिल है शिफा मेरी मुझको न शहाबाए दर दर पे सदा करना जाती ही नहीं बाहर तैबा से सदा मेरी जाती ही नहीं बाहर तैबा से सदा मेरी ना कमाल मुझ में नेहा कोई ना जमाने भय से अमीर हूँ मैं गदाए शहर रसूल हूँ मैं हबीब हक का असीर हूँ मैं गदाए शहर रसूल हूँ मैं हबीब हक का असीर हूँ ना शहाब जो ये नाज है यही मेरी इज्जत का राज है जहाँ ताजवर हैं झुके हुए मैं उसी गली का फकीर हूँ जहाँ ताजवर हैं झुके हुए मैं उसी गली का फकीर हूँ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अब तो बस एक
ही धुन है के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, आखरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है जालियां देखूं के दीवा अपनी माजूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाऊँ नजरे, मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाऊँ नजरे, दिल जरा संभले तो फिर जा निबे खजरा देखूं, दिल जरा संभले तो फिर गुम बदे खजरा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है काश एक बाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, काश एक बाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, सुबह काबे में हो और शाम को तैबा देखूं, अब तो बस ए ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਠ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਬੂਹੇ ਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ 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 ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਸਰ ਇਤਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਸਰ ਇਤਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਸਕੁਰਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਅੱਜ ਹਮ ਇਹ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਜ਼ਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਾ ਅੱਬ ਵੀ ਬੋਲਾ ਤੇ ਲਫਜ਼ ਪੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਔਰ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਖਸੂਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਤਾਹੀਰ ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਕੇ ਲੀਏ ਦਾਵਤ, ਹਮਾਰੀ ਬਜ਼ਮ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨਾਹਾਨ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਕਵਾਸ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵੋ ਆਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਨਕੀ ਆਮਦ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ,
नाराए वोसिया जीवे 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 आस्ताना यालिया अलीपुर सईदा शरीफ पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब शेराजी जनाब हाफिज मोहम्मद बकवास नक्शबंदी साहब दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब जिस दिल विच इश्क मुहम्मद दा उस दिल विच नूर आ जांदा ए मोहब्बत ना मिलके सुभान अल्लाह जिस दिल विच इश्क मुहम्मद दा उस दिल विच नूर आ जांदा ए जदों लईए नाम मुहम्मद दा महफिल नू सरूर आ जांदा ए जदों लईए नाम मुहम्मद दा महफिल नू सरूर आ जांदा ए एक नामे मुहम्मद सल्ले अला हर दुख दी दवा बन जांदा ए एक नामे मुहम्मद सल्ले अला हर दुख दी दवा बन जांदा ए ओदे हुकम ते सूरज मुड़दा ए जुड़दा है ओदा हुक्म होवे ते पत्थरां नू बोलन दा शऊर आ जांदा ए ओदा हुक्म होवे ते पत्थरां नू बोलन दा शऊर आ जांदा ए कल की रात बड़ी फजीलत वाली बड़ी बाबरकत रात है मिराज मुस्तफ़ा उसी हवाले से हुजूर की बारगाह में उसके बाद दो अशार अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में पढ़ के इजाज़त मोहब्बत ना मिल के पढ़ना है हाँ ऐ मेरा ले देन लोकी तेरे नाल सोने ऐ मेरा ले देन लोकी ऐ मेरा ले देन लोकी तेरे नाल सोने ऐव रल देन लोकी कमले रल देन लोकी पागल रल देन लोकी तेरे नाल सोने तेनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोने ऐवें रल देन लोकी ऐवें रल देन लोकी तेरे नाल सोने ऐवें रल देन लोकी ऐवें रल देन लोकी तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पेंदे ने मुठियां च रोड़े भी दरूद पढ़ लेंदे ने ओ तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पेंदे ने मुठियां च रोड़े भी दरूद पढ़ लेंदे ने मुठिया च रोने भी दरूद पढ़ लेंदे ने तेरे गिण गिण दसा तेरे गिण गिण दसा की कमाल सोने तेरे गिण गिण दसा की कमाल सोने तेरे गिण गिण दसा की कमाल सोने तेनू रब ने बनाया बेमिसाल
ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇੰਜ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਓ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇੰਜ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਓ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਦੋ ਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਲਜਪਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਲਜਪਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਓ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਓ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਲਜਪਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਲਜਪਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਬਾਦ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਪਰ ਆਏ
और इनके उस्ताद मोहतरम तारी अरफान साहब स्टेज की जीनत हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मोहम्मद अलियास साहब आप भी स्टेज पे आए, और मोहम्मद परवेज साहब आप भी स्टेज पे आए और दस्तारबंदी की रस्म अदा करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, बिला तहील। खतीब पाकिस्तान वाज खुशलहान, अहले सुन्नत जान, अहले सुन्नत की जान, अहले सुन्नत की शान सरमाया या अहले सुन्नत, जनाब जनाब अहमद रजा अतारी साहब आपने रूहानी वजदानी हताब से हमारे दिलों को पर नूर फरमाएंगे। हम भी आमद से पहले इतनारा हो जाए नाराए तकबीर, ऐसा नहीं यार तुम्हें अच्छे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे हदमे नबूवत, ताजदारे हदमे नबूवत, जनाब अहमद रजा था इसे। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جميع أحباب अहलियान स्टेज से लेकर तमाम अहबाब हुजूर की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन वाला अलिका व असहाबिका या सैयदी या खातमन नबीजीन। عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكه فخرجنا في بعض نواحيها فمستقبله جبل ولا شجر الا هو يقول السلام عليك يا رسول الله। ताजदारे हल अता मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा दामादे मुस्तफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमांदे ने मैं कायनात दिवाली मदनी मिठल मिंठार आका दे नाल सां ते मक्का पाक दा बाजार सी हुजूर मक्का पाक दे बाजार चों एक समत नु चले एक समत नु आपने सफर शुरू कीता ते चूंके मैं हुजूर दे नाल सां ते मैं भी नाल नाल चल पया ते जदो हुजूर जा रहे सी मैं भी पीछे पीछे जा रहा सां ते रस्ते दे विच जड़ा पहाड़ ते जड़ा दरख्त आंदा ओ कहंदा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सोनिया तुहाडे ते सलामती होवे। हुण जिन्हों जिन्हों अल्लाह ने जुबान दिती है ओ दरख्त और पत्थर तो गुजरिया नहीं ओ जरूर जुबान खोले ए जुबान सदका ए हुजूर दा ते हुजूर दी जात ते दुरूद पड़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या शफीअल मुज़निबीन। ग्रामी कदर हजरात आज की ये खूबसूरत महफिल पाक बसिलसिला जश्न मिलाद मुस्तफ़ा भी मुझे पता चला और ये बेटे के हिफ्ज कुरान की जो है वो तकरीब है माशाल्लाह इसका भी मैंने अभी भी देखा उससे पहले शायद ये साले सवाब, तो ये सारे सिलसिले और ये सारी कड़ियाँ इस महफिल साथ पाक के साथ जो हैं वो जुड़ी हैं। मैंने बिला तखीर व तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया, खुतबा मैंने नहीं पढ़ा। आज के मेरे भाई मेरे दोस्त सनाखान रसूल इज़्ज़त इमाम मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद वकास नक्शबंदी साहिब जिनकी
वसादत से मैं आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ और मेरे दाएं और बाएं पहलू में माशाल्लाह खूबसूरत चेहरे बारिश चेहरे तशरीफ़ फरमा है। मुझे खुशी हुई और मेरी बाएं जानब टिकरी सूफी बासफ़ा खलीफा जनाब मोहतरम मोहम्मद बशीर अहमद नक्शबंदी साहेब विराजमान हैं। आप अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में मजीद बरकतें और रहमतें अता फरमाए। समीन गुफ्तगू का आगाज हो चुका, 45 मिनट मेरे पास हैं जिनमें से 5 मिनट गुजर चुके हैं, 40 मिनट बाकी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन 40 मिनट से पहले मैं गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। अगर इससे आगे आप चलाएंगे तो जरूर चलूंगा, शाम तक भी चलेंगे तो चलेंगे, लेकिन जो वक्त है उसको लिमिटाइज कर दिया गया है। हजरात बंदे मोमन की सारी तवज्जोहात उसका मरकज और महवर करीम अलैहिस्सलाम की जात को होना चाहिए, बल्कि ये कायनात का वजूद ही करीम अलैहिस्सलाम का सदका है और वसीला है। जब तक इंसान के जिस्म में, इंसान के कल्ब में करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं, तो इंसान का कोई नेक अमल जो है वो मकबूल नहीं बल्कि वो बर्दूद है। इंसान अपनी जिंदगी में जितने मर्जी नेक अमल करे, वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, जकात दे, सदका खैरात करे, लेकिन अगर उसके दिल में करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं तो उसका वो नेक अमल काबिले कबूल नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आप अहबाब की तवज्जो है, मैंने गुजारिश कर दी कि टाइम बहुत शॉर्ट है, पहले फोन पे मुझे जो है वो टाइम तकरीबन 1.5 घंटे का मिला था, अब 1 घंटा लिमिटाइज होके 1.5 घंटा बाकी है। अगर तुहानू समझ आई है तो बोलो सुभान अल्लाह, नहीं आई तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाला बंदा वहां तो तुहानू समझ ना आएगी, बोलोगे नहीं तो मैं समझांगा भी शायद मैं एक क्लास ही पढ़ा रहा तो बंदे समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, तो कामयाब टीचर वो ये जड़ा अपने स्टूडेंट नू, अपने सामीन नू सारा कुछ समझा के कले। क्लियर कर दो, इको पैशक पावे कटा दो, आवाज थोड़ी जी और खोल दो। हजरात अगर तेरे दिल में करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं तो तेरी नमाज टकरे हैं, जिन्नी मर्तबा चाहे तो पढ़। अगर ताजीम नबवी अदब मुस्तफ़ा एहतराम नबुव्वत दिल में नहीं है तो तेरा हज सैरो सफर है, जितनी मर्तबा चाहे तो कर। अगर ताजीम नबवी अदब मुस्तफ़ा एहतराम नबुव्वत दिल में नहीं है तो तेरी ज़कात टैक्स और जुर्माना है, जितनी मर्तबा चाहे तो भर। अगर ताजीम नबवी अदब मुस्तफ़ा दिल में नहीं है तो तेरी दाढ़ी का एक एक बाल तेरी जान का बवाल है, और अगर ताजीम नबवी है तो हर नेकी कमाल है। अगर ताजीम नबवी दिल में है तो हर नेकी कमाल है। हजरात आइए, करीम अलैहिस्सलाम की शान क्या है, करीम अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है, करीम अलैहिस्सलाम का बुलंदी कमाल औज और मर्तबा क्या है। आइए मैं आपके सामने तिर्मिजी शरीफ रख रहा हूं, करीम अलैहिस्सलाम के चचा जानी हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अन इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر ماذا بعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال اخر فعيسى كلمه الله وروحه وقال اخر وعاد مصطفى الله قال فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك मेरा ज़ौक ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पाक जुबान से जो अल्फाज निकले हैं वो आपको सुना के इसका तर्जमा करूं। अगर आपका ये ज़ौक है तो ठीक है, नहीं तो इसका तर्जमा करते हैं।
करीमा अलैहि सलात व सलाम की हदीस पाक तिर्मिज़ी शरीफ में ये अल्फाज आज भी चमक और दमक रहे हैं। قال فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك وآدم مصطفاه الله وهو كذلك الا وانا حبيب الله ولا فخرا وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة مَتِي وَلَا فَخْرَا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِي هَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَا। आइए इसका तर्जुमा करते हैं। ये वो पाक अल्फाज हैं जो तेरे मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम की पाक जुबान से निकले हैं। हुजूर दे चचा जानी हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमांदे ने फरमाया करीम आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा इस तरह छुरमट की शक्ल च बैठे अपने करीम आका का इंतजार कर रहे सन ते जेने हुजूर आले तशरीफ नहीं सन लाए ते सहाबा ने आपस गुफ्तगू शुरू की थी। हजरत सहाबा की गुफ्तगू भी देखो, हुजूर दे यारां दी गुफ्तगू भी कैसी है। असी बैठ के अपनी गुफ्तगू करने आ, हुजूर दे यारां दी गुफ्तगू देखो। सहाबा दे जम्मे गफीर दे विचों एक सहाबी बोले, कहन लगे मेरे यारो हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम दी शान ते तको, हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम नु अल्लाह ने कलीमुल्ला बनाया। सहाबा दे मजमे दे विचों दूसरे सहाबी बोले, कहन लगे यारा तेरी गल ते ठीक है, लेकिन यार हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम दी शान ते तको, हजरत आदम अलैहि सलाम नु अल्लाह ने दुनिया तो सब तो पहले मबूस फरमाया। सहाबा दे जम्मे गफीर दे विचों तीसरे सहाबी बोले ते कहन लगे यारो तुहाडियां गल्लां ठीक ने, इन अंबिया दे मकाम बुलंद ते बाला अरफा व आला ने, लेकिन यार ईसा अलैहि सलात व सलाम दी शान ते तको, ईसा अलैहि सलात व सलाम नू अल्लाह ने कलीमतुल्ला बनाया, ईसा अलैहि सलात व सलाम नू अल्लाह ने रूहुल्ला बनाया। इन्नी देर च करीमा अलैहि सलात व सलाम तशरीफ लाया है। काल फखरज अलैहिम फसल्लमा व قد سمعت كلامكم عجبكم اپنے یاراں نو سلام کیتا تے فرمایا میرے یارو میں تہاڈی حیرانی اور اظہار تعجب والی گفتگو سن لئیے، تسی کی کہہ رہے سی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں؟ ہاں ہاں بالکل او ایویں ہی ہیں۔ فرمایا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں؟ فرمایا ان دے وچ بھی کوئی شک نہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام صفی اللہ ہیں؟ ان دے وچ بھی کوئی شک نہیں۔ حضرت عیسیٰ کلیمتاللہ ہے، ایدہ چھ بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن فرمایا میرے یارو علاوہ انا حبیب اللہ، میں محمد اللہ دا حبیب ہاں، میں نو ایدہ تے کوئی فخر نہیں۔ लबैक या रसूल अल्लाह, हाथ चुक के कट जाए वो हाथ जो हुजूर की नामूस पे न खड़े हो, हमें नहीं बोलना हाथों का क्या करना। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक जज़ाक अल्लाह। फरमाया तवज्जो फरमाए जी अपने करीमा अलैहि सलातो व सलाम दी शान सुनो और सीरत दा रोशन पहलू भी तको। अज दुनियादारी दे किसे कोल चंद टके आ जाना ते उंदा गुरूर तकब्बुर घुमंड और कहंदे ने भी मान ही नहीं, लेकिन हुजूर दी शान तको दो जहाना दे वाली ने। लेकिन की फरमांदे ने, फरमाया मेरे सहाबा मैं मुहम्मद अल्लाह दा हबीबा, मैनू ए देते कोई फखर नहीं, मैनू ए देते कोई गुरूर नहीं। मेरे सहाबा कयामत वाले दिन लिवाए हमद दा झंडा मां मुहम्मद दे हाथ च होएगा, लेकिन मैनू ए देते भी कोई गुरूर नहीं, मैनू ए देते भी कोई तकब्बुर नहीं। मेरे सहाबा कयामत वाले दिन सब तो पहले मां मुहम्मद शफात करांगा और मां मोहम्मद की शफात ही अल्लाह कबूल करेगा, मैनू ए देते भी कोई शक नहीं। हाँ आगे सुनो, फक्तुलूहु अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा जज़ाकअल्लाह। नारों में ठीक है, आपका ज़ौक जो है वो मैं ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है जी, आपका ज़ौक अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मेहरबानी फरमाइए, ठीक है जी। हाँ
और बात यह है कि यह नहीं है कि यहां से महफिल खत्म हो करना चस्का पूरा वे तो चले जाओ मलक साहब का खर्चा और सारा ना अकीदा लेके जाओ हुजूर दी मोहब्बत लेके जाओ और अपना सच्चा ते सुच्चा साफ ते सुतरा ते पक्का अकीदा भी लेके जाओ ठीक है जी फरमाया मेरे सहाबा वाना अव्वलु शाफिइन वाव्वलु मुशफ्फाइन यौमल कयामत वला फखरा मेरे सहाबा कयामत वाले दिन माँ मोहम्मद दी अल्लाह शफात सब तो पहले कबूल करेगा अगले गल सुन के सुभान अल्लाह कहंदे मुतरादफे फरमाया मेरे सहाबा वाना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना मेरे सहाबा कयामत वाले दिन सब तो पहले जन्नत का कुंडा खटकान वाला माँ मोहम्मद होवांगा अल्लाह करीम मेरे वास्ते जन्नत का बुआ खोलेगा और अल्लाह करीम मेरे नाम जन्नत गरीब ते मिस्कीन मोमना नू भेजेगा मैनू एदे ते भी फखर नहीं हाय 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 और फरमाया हदीसे पाक दे आखिरी लफ्ज फरमाया वा अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा मेरे सहाबा मेरे तो पहले जिन्ने हो चुके और मेरे तो बाद जिन्ने आन गए इन पूरियां दे विचो ए सारी कायनात तो मैं मुहम्मद अफजल ते आला वा मैं मुहम्मद आला ओ बाला वा मैं मुहम्मद दा मर्तबा कमाल दा है लेकिन मैनू एदे ते भी फखर नहीं अल्लाह फिर ताजदारे बरेली दा कलम वजद चांदा है बोलो सुभान अल्लाह ताजदारे बरेली नु सुननी नहीं जानना ते जानना किन्ने बोलो सुभान अल्लाह बुलंदाबाद से इस साइड वाले भी अहबाब बोलिए सुभान अल्लाह आला हजरत अजीम उल बरकत फिर फरमाते हैं सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे बाला ओ आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी ओ बुझ गई जिसके आगे सभी मसाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी करनो बदली रसूलों की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी पर न डूबे न डूबा हमारा नबी पर न डूबे न डूबा हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी पत्थरों झट से कलिमा पढ़ना है तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी अपने हर उम्मती को करेगा अता आबे कौसर का प्याला हमारा नबी ईमान ताजा हो याद बोलो सुभान अल्लाह है मुसल्लम रसूलों का रुतबा मगर है सबसे रुतबे में आला हमारा नबी गम नहीं तारीख ये कब्र का हमको बख्श देगा उजाला हमारा नबी दुख ते गम किसे नुए ते होर नुए सानू ना बख्श देगा उजाला हमारा नबी ते इन मतलब भी नहीं भी जड़े फराइज ने उन्हें तो पीछे हट जाना है वो इस तो भी ज्यादा जरूरी नहीं मोहब्बत रसूल और फराइज आपस से लाजम मलजूम ने दोवें गल्लां होनगियां ते काम बनेगा जी ठीक है जी हाँ पल रहा है जहां जिसकी खैरात पर है वो हलीमा का पाला हमारा नबी हजरात खूबसूरत अलहान के साथ मेरे से कबल बरादराने ने नात रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम पेश की हजरात नात क्या है जिसमें करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है हुजूर की शान है हुजूर का मकाम है हाँ अम्मा मैनू नार रख ला मैं पट्ठे पावगी ये नात नहीं है नात है जिसमें हुजूर की तारीफ की जाए हाँ इन तुम मनकबत कह लो तो कह लो ठीक है जी मनकबत कह लो लेकिन ये नात नहीं है नात वो है जिसमें आपके और मेरे करीम आका की शान हो ठीक है जी ते बात क्या हम उर्दू और पंजाबी लोग हैं हम उर्दू और पंजाबी में नात पढ़ते हैं अल्लाह ने अपने हबीब की नात कुरान पाक में अरबी जुबान में रखी है ठीक है जी सारा कुरान मैं जिम्मेदार हूँ करीम अलैहिस्सलाम की नात है बोलिए हाँ लेकिन नजरों नू आएगा जिदेश के जिन्हें दिल देवे चिश्के रसूल दी चिंगारी चमक रही है नजरों नू आएगा आइए मैं चीदा चीदा आपके सामने रखता हूँ कुरान पाक ने हुजूर की नात जा बजा कही है हर जगह कही है बल्कि फुकहा उलमा फरमाते हैं और मैंने पढ़ा है कि ये सारा कुरान मदनी मुस्तफा ने ही सलातो वसलाम की नात है मैंने आलम तखय्युल में सवाल किया प्यारे कुरान तो मुहम्मद की नात है तो बताना कहाँ कहाँ हुजूर की नात कही है कुरान ने फरमाया जवाब दिया तू पूछ तू हुजूर की जिंदगी के जिस मुबारक पहलू के मुतल्लिक पूछेगा मैं तुझे आयत पढ़ के बताऊंगा कि ये मोहम्मद की नात है
कहा कुरान, जज़ाकअल्लाह, मैंने कहा कुरान, मदनी मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दा नाम ते दस, कुरान फरमांदा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीयीन, मैं कहा कुरान मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दा काम ते दस, कुरान फरमांदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं कहा कुरान मेरे मदनी मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दी शान ते दस, कुरान फरमांदा है लितुमिनु बिललाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, मैं क्या कुरान मदनी मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दी शान ते दस, कुरान फरमांदा है या अय्युहन नबी शु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, मैं क्या कुरान नबी दी इज्जत दस, कुरान फरमांदा इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाह फि दुनिया वल आखिरा, मैं क्या कुरान मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दी मलकियत दस, कुरान फरमांदा इन्ना आतोइना कल कौसर, मैं क्या कुरान मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दे जमाने दी गल दस, कुरान फरमांदा है वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, मैं क्या कुरान मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दा इलम दस, कुरान फरमांदा है अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मैं क्या कुरान मदनी मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दे ओढ़ने दी गल दस, कुरान फरमांदा है या अय्युहल मुज़म्मिल, मैं क्या बिछोने दी गल दस, कुरान फरमांदा है या अय्युहल मुद्दसिर, मैं क्या कुरान हुजूर दे लिबास दी गल दस, कुरान फरमांदा है वस या बका फतहिर, मैं क्या कुरान मुस्तफा दे चेहरे दी गल दस, कुरान फरमांदा है वद्दुहा, मैं क्या ज़ुल्फ़ां दी गल सुना, कुरान फरमांदा है वल्लैल इज़ा सजा, मैं क्या कुरान हुजूर दी अखां दी गल दस, कुरान फरमांदा है माज़ा गल बसरु व मा तगा, मैं क्या कुरान हुजूर दे बोल दस, कुरान फरमांदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, मैं क्या कुरान नबी दे सीने दी गल दस, कुरान फरमांदा है यासीन, मैं क्या कुरान नबी दे मदीने दी गल दस, कुरान फरमांदा है ला उकसिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह मुर्शदी या नबी या नबी या नबी या नबी रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, अल्लाह रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है, अनिल मुत्तलिब ने अभी वदा आ, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तीसरी हदीस पाक ते 40 आयत मैं तुहानू सुना चुके हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है जी, इत्थे रखा हाथ ते डूढ़ घंटे की जड़ी तकरीर है तुहानू सुनावा तिना घंटिया जो तुहानू जन्नत पहुँचा के छड़ जावा ते ए गल नहीं, ठीक है जी, मेरी आवाम मेरी कौम मैं किसी की दिल आजारी भी नहीं कर रहा और किसी की मुखालफत भी नहीं कर रहा, लेकिन आ वेखो ओ कद्दू लै लो भाई कद्दू लै लो, डेढ़ मिनट की हदीस पाक च गल है जड़ी लोग तुहानू डूढ़ घंटे सुना के 40,000 लैके आ गए, हाँ मैं गलत कह रहा था दस्या जी, सही सही है, ठीक है ना जी, हाँ लिहाजा तुम कन्ना के चस्के तो बाहर आओ अकीदा लो, को पुछे सवाल करे तुसे दसना लो वो, ठीक है ना भी यह गल एवें हुजूर अलैहि सलातो वसलाम के नूरे पाक पे हदीसे पाक आइए, ओ जड़े लोग कहते हैं ना हुजूर अलैहि सलातो वसलाम के वालदैन आई सन ते ऊ सन, जिन्हों अपने वालदैन च हो सकता है कोई शक होवे, यह तिरमिज़ी शरीफ के पाक अल्फाज समात फरमाओ, करीम आकल ही सलातो वसलाम का फरमान हजरत मुत्तलिब ने अभी वदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते ने, अनिल मुत्तलिब ने अभी वदा आकाल जा अल अब्बास इला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फका अन्नहु समिया शैयन फकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अलल मिंबर फकाल मन अना कालू अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अलैका अस्सलाम قال انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقه ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقه ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلا ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا, किसी मौलवी दे शेर नहीं हुजूर दी जुबान दे पाक अल्फाज ने, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत
مطلب بن ابی ودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق نسب مبارک دے متعلق مکہ دے کافرہ نے کچھ بکواس بکی مکہ دے ایار مکار چلاک اور خنزیر قسم دے لوگاں نے حضور دے مبارک حضور دے مبارک والدین دے متعلق کچھ غلط لفاظ بولے غلیظ زبان استعمال کی تھی حضور دے چچا جانی حضرت عباس بڑے رنجیدہ ہوئے اپنے کریم آقا دی بارگاہ چ پہنچے عرض کی تھی سونیا لجپالا میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان حضور مکے دے کافر آ بکواس کردے پے نے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر ختم نبوت تے جلوہ گار ہوئے صحابہ نو مخاطب کیتا تے پچھیا صحابہ دسو میں کونا من انا میں کونا صحابہ نے عرض کی تھی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ السلام سنیا تو اڈے تے اللہ دی رحمت ہوئے تو اڈے تے اللہ دی رحمت ہوئے تسی اللہ دے رسول ہو تسی کیو تسی کیو اللہ دے رسول ہو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو پھر مخاطب کیتا فرمایا میرے صحابہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میرے صحابہ میں محمد عبداللہ دا پتر تے عبد المطلب دا پوتا وا میں محمد عبداللہ دا پتر تے عبد المطلب دا پوتا وا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ جدو اللہ کریم نے چاہیا نا کہ میں کائنات نو پیدا کراں تے کائنات عالم دے وچوں سب تو افضل ترین جڑی مخلوق حضرت انسان سی اللہ نے مینوں او دے وچ پیدا کیتا پھر اس مخلوق دے اللہ نے جدو دو طبقے کیتے یعنی کہ عرباں نو علیحدہ کیتا تے عجماں نو علیحدہ کیتا تے کائنات عالم دے وچ سب تو بہترین طبقہ جڑا عرباں دا طبقہ سی اللہ نے مینوں او دے وچ پیدا فرمایا پھر میرے صحابہ ان طبقیاں نو جدو اللہ نے قبیلیاں دے وچ تقسیم کیتا تے کائنات عالم دے وچ سب تو بہترین قبیلہ جڑا قریش سی اللہ نے او دے وچ میرا انتخاب فرمایا میرے صحابہ اس قبیلیاں تو بعد اللہ کریم نے جدو گھر بنائے نا تے کائنات عالم دے وچ سب تو افضل تے اعلی سب تو بلند و بالا عرفا و اعلی مقام والا گھر جڑا بنو ہاشم دا گھر سی اللہ نے مینوں او دے وچ پیدا فرمایا اللہ میرے صحابہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیوے 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 آستانہ علی علی پور سیدہ شریف میر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی سورج چند ستارے امبر ترتی چار چفیرا جڑے پاسے چاتی مارا سارا ہی چانن تیرا سارے اچیاں اچیاں نالوں تیرا شان اچیرا تیری رحمت باج ظہوری کوڈی مولنی میرا اے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شاناں نے اے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام ہے آئیے جو ہے وہ تیسری چوتھی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد گفتگو کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے آؤں گا اس کو وائنڈ اپ کروں گا لیکچر کا کنکلوژن ہوگا حضرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں بلکہ ایک حدیث پاک اس سے پہلے سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زوجہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ مومن بولن سبحان اللہ بلند آواز سے مومن بولیں سبحان اللہ ہاں میں مومن کیوں مومن لا 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 وہ کون سے مومن ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم مومن اس وجہ سے ہیں کہ حضور کی پاک آل کی محبت بھی سینے میں بستی ہے اور حضور کے پاک اصحاب کی محبت بھی سینے میں بستی ہے اور حضور دی امت دی اولیاء دی محبت بھی سینے چ وسدی ہے ویکھو نا جی بزرگ چہرے بیٹھے ٹھیک ہے جی بزرگ ہوندا ہے ولی او ہوندا ہے جنوں ویکھ کے اللہ یاد آ جائے ولی کون ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اب میرا یہ موضوع نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ ولی کو اگر ڈھونڈنا ہو تو اس کی نشانیاں کیا ہیں دو نشانیاں اللہ کی دو رسول اللہ کی دو حضرت ابوبکر صدیق کی دو حضرت عثمان غنی کی دو حضرت مولا علی کی دو حضرت عمر فاروق کی سبحان اللہ کتنیاں ہو گئی ہیں 12 ٹھیک ہے جی ہاں ایج نشانیاں ملن تے سمجھو بھی یہ مرشد کاملے جا کے پیری لگ جاؤ تے پھر ڈبن نہ لگے تے جڑا آپ چھلیا مچھیا ہوے آلو طرح وہ تانوں کی دسے گا ولی دا مطلب ہے نہیں بلکہ وہ میں اس کو تھوڑا سا آپ پیچھے چلیے جو میں نے قرآن پاک کی آیات رکھی تھی
कुरान पाक की आयत आपके सामने रखी थी करीम अकल सलातो वसलाम की शान डिठे वर्क कुरान दे फोल सारे ओदी शान जया ना कोई होर डिठा ओदी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशिका असली चोर डिठा कोई नूर आखे कोई बसर आखे ओ पेंदा दिने राती ए हो शोर डिठा ओ अल्लाह वाले या गल मुका छोड़ी ओ भाई तुसा होर डिठा असा होर डिठा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जीवे 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 आस्ताना अली अलीपुर सैयदा शरीफ पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब शेराजी अब वो आजकल ये मौजू चल रहा है जो है वो मेराजुन नबी का भी हुजूर अलैहि सल्लम वो उस पर चार टर्मिनोलॉजीज हैं मनखबत मोजजा इस्तेदराज और इरहास ठीक है जी लेकिन उस तरफ मैं समझ जाऊंगा तो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है वो दूर निकल जाएगी बात अगर कोई ये समझे ना भी आज जड़ी करामत बयान दी एवं ही खबरदार मैं हुजूर गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल हसनी वल हुसैनी जिन्होंने तकरीबन 12 साल के बाद वो जो बूढ़ी माई का बेड़ा थे चल जाता अब तक आवाज आ रही है खाजा गुलाम फरीदकोट मिठन दे बादशाह आपने अपने मुरीदा नु पूछा भी मुरीदो तुहानू कुरान दा पता है मुरीद भी हस पे पक्के पीर पक्के पीर दे मुरीद सी ना मुरीद भी हस पे भी हजरत सारी जिंदगी सानू कुरान पढ़ाते रह जे तर्जमा पढ़ाते रह जे तफसीर पढ़ाते रह जे हलाल हराम की तमीज तक दसते रह जे तो हम सानू ही पुछते जे भी तुहानू कुरान का पता है पीर हो तो ऐसा समझ आ गई पीर वो पकड़े जो आपको कुरान पढ़ाए जो आपको नमाज पढ़ाए नमाज की तबलीग करे खुद सोमो सलात का पाबंद हो हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत का तारिक ना हो वो हो जो आपको तर्जमा और तफसीर पढ़ाए जो ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन पढ़ाए ठीक है वो आपको हलाल और हराम बताए वो है पीर और पैदा मकसद ये भी है कि अमीर मुरीद को लो पैसे लेवे ते गरीब मुरीद नू देवे आपकी कोठी कम जड़ा ना वो ना बनावे आपकी पराडो ना लवे पीर दा पैसे लैण दा मकसद ऐ आ अलहमदुलिल्लाह अज भी वो दुनिया दे विच एवें वली है ने ऐसे वली है ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है शब रोज के मुसाफिर हैं कभी कहाँ कभी किसी गोट कभी किसी घरा में अल्हम्दुलिल्लाह हयात कायनात किसी वजह से है अब बेटा तवज्जो मेरी तरफ बेटे चुप करो यार मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा अच्छा ख्वाजा गुलाम फरीदकोट मिठन दे बादशाह ने पूछा मुरीदो हाँ हाँ मुरीदा ने अर्ज की या हजरत सानू पता है ओ कुरान जिद सानू तुसी तालीम दें दे ओ कुरान फरमान लगे मुरीदो ओ तुसी कुराने कतबी दी गल कर रहे हो तुसी लिखे हुए कुरान दी गल कर रहे हो मेरे मुरीदो तुसी कुराने कतबी दी गल कर रहे हो मैं आमीना दे लाल कुराने असली दी गल कर रहा वा कुछ समझ आ रही है आप आपको
मैंने तकरीबन 150 किलोमीटर सफर किया, मैं दो दिन आदि लता ही ना घटाता रहा, वहाँ भी सफर किया है जो बंदों के कुछ पल्ले पड़ा है। ठीक है जी हजरात, ये है करीम अकलम किसान। शेर पढ़ता हूँ लेकिन आला हजरत को पढ़ता हूँ, इकबाल को पढ़ता हूँ। हजरात अलामा इकबाल ने जिथे वली कामल हाजिर हुआ जो मैं शेख मुजद्दद की कबर पर, अलामा फरमांदा है मैं जो तो शेख मुजद्दद की कबर ते गया ना तो मैं अनवारो तजल्ली याद ही बारिश हुंदी वेखी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ठीक है जी हाँ, खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। इकबाल ने पूछा किसी ने, इकबाल और यूरोप गया फरंगी रंग नहीं चढ़िया, उन्हें क्या मेरे त्यो रंग की चढ़ना सी। इकबाल दी अखां दा सुरमा की ये, सुरमा है मेरी आंखों का खाके मदीनों नजफ, मेरी अखां दा सुरमा हुजूर दे मदीने दी खाक ते नजफे अशरफ, हजरत अली पाक दे रोजे दी खाक है, मेरी अखां ते उन्हां ने असर की करना सी। अल्लाहु अकबर। और यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है इकबाल की पोएट्री में। इकबाल ने जब इसका दूसरा पहलू देखा, जब वो जो है वो फेक किस्म के और गलत किस्म के जुब्बा कुब्बा दस्तार को देखा, तो इकबाल कहता है नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरका इस आलूस के अंदर है महाजन, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। मैं इसे पर तो दस दिता के पीर का मकसद है, क्योंकि पीर साहब को माड़े मरीद ने भी आना, तगड़े ने भी आना, हर एक ने हाल अपने जड़ा ना, मेरे दिल दा महरम हाल तू, हर एक ने अपने दिल दा दुखड़ा दसना, ते पीर साहब दा मकसद ए हुई है जड़ा शरीयत ने पाबंद किया कि अपने माड़े मुरीद की खिदमत करे। आओ अगली हदीस पाक, फरमाया हजरत उमर बिन खत्ताब, बल्कि वो हजरत आयशा पाक वाली हदीस पाक वो वहीं पर रहेगी। عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجہ فرمانا جی، ترمذی شریف کے پاک الفاظ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں، عن عائشہ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبریل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بيتا افضل من بيت بني هاشم। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका हुजूर तो और हुजूर अलैहि सलातो व सलाम हजरत जिब्रील अमीन तो रवायत फरमांदे ने, हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरी बारगाह च हाजिर होया, अर्ज करदा सोनिया मैं ओ जिब्रील हां जिन्हें पूरी कायनात नु वेखिया, आका मैं ओ जिब्रील हां जड़ा बैतुल मामूर दा खतीब हां, आका मैं ओ जिब्रील हां जड़ा इमामुल मलाइका वा, आका मैं ओ जिब्रील हां जिन्हें मशरक नु वेखिया, आका मैं ओ जिब्रील हां जिन्हें मगरब नु वेखिया, आका मैं ओ जिब्रील हां जिन्हें शुमालो जुनूब नु वेखिया, आका मैं ओ जिब्रीला जिन्हें पूर्व और पश्चिम नु वेखिया, आका मैं ओ जिब्रीला जिन्हें दक्कन और उत्तर नु वेखिया, आका मैं ओ जिब्रीला जिन्हें कायनात दी तहमा नु वेखिया, आका मैं ओ जिब्रीला जिन्हें कायनात दा सर्रा सर्रा वेखिया, जिन्हें कायनात दा गोशा गोशा वेखिया, आका मैं ओ जिब्रीला जिन्हें कायनात दा चप्पा चप्पा वेखिया, पर हुजूर तुहाडे वरगा कोई दूसरा मैं नहीं वेखिया। हाय 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 हुजूर मैं कायनात दा चप्पा चप्पा फिर के वेखिया, पर मैं एक ते तुहाडे वर्गा नहीं वेखिया, और हुजूर दूसरा मैं तुहाडे घर वर्गी किसे होर घर दी शान मैं नहीं वेखी। किंदे अल्फाज ने जिब्रील दे ने, कितने लिखे ने, तिरमिजी शरीफ च लिखे ने। ठीक है जी, सियासत्ता की मोतबर किताब है। आइए अजान हम यहाँ पर पढ़ेंगे या ये करीबी अजान, अच्छा इधर ही पढ़ेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। ये पानी दीजिएगा। عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی میرا شریف پہ آنا ہے میں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ، بلکہ یہ حدیث پاک رہنے دیتے ہیں، آئیے میرا شریف پہ چلتے ہیں کیونکہ موضوع کی مناسبت بھی ہے، یہ سیرت کے پاک پہلو ہو گئے۔ اچھا اللہ کریم، وہ میں نے پہلے بتا دیا، پہلی گل معجزہ جلدی جلدی سمجھ لو، ٹائم شارٹ ہے، معجزہ आजज कर देने वाली शह नू कहिंदे ने, यानी कि अकल इंसानी तस्लीम ना करे भी ये काम किवें हो गया, उन्हूं कहिंदे ने मौजज़ा। ठीक है जी, इसे इमाम रागिब अस्फहानी और बहुत सारे जो है वो मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन के अख़वाल हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आगे सफ़र कर रहा हूँ। मौजज़ा आजज कर देने वाली शह, तो मौजज़ा अकल दे तराजू ते रख के नहीं सोचा जाता। अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो ज़ात जो अपने अब्दे खास को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर जहाँ तक अल्लाह ने चाह। असी कुरान च पढ़िया ते मनो अन तस्लीम कर लिया भी एवें होया है। अकल दे तराजू ते रख के जे सोचांगे ते फासद हो जांगे। ठीक है जी, कुरान पाक दी नसे नसे कतई है, जे इनकार करांगे ते काफिर हो जांगे। ए मौजज़ा
अकेले इंसानी जड़ी शह ना आवे उन्हें कहते हैं मोजज़ा। अगे मैं तुम्हें चार टर्मिनोलॉजीज़ दसियाँ, मोजज़ा जड़े अल्लाह के नबियों को रूनुमा होवे, मनकबत जड़े औलिया अल्लाह जिस तरह मैं हुजूर गौसे पाक दी तुम्हें मिसाल दी, जल्दी जल्दी समझ लो। उस तो बाद हुंदा जी इरहास, इरहास कहते हैं जड़े अंबी आसारे नबुवत नूं कहते हैं, अंबिया दे मबूस होने तो पहले कुछ आसार होंगे ने, जिमें हजरत सैयद आमिना पाक फरमा दी ने जो तो हजूर का नूर मेरे बतने पातशाह आया तो अंबिया मेरे को आन के सलामियां देंदे सन, मैं बाहर चलती सा तो जेडे पत्थर ते पैर रखती सा वह पत्थर मोम की तरह नरम हो जाता सी। फिर फरमा दी ने कि मैं जो तो बाहर जाती सा मेरे बतन चो खुशबू आती सी, ए सी आसारे नबुवत, इनू कहते ने इरहास। मौजज़ा करामत इरहास, आगे है इस्तेदराज, बोलिए क्या है इस्तेदराज। इस्तेदराज ओनू कहंदे ने होवे ते खिलाफे मामूल, लेकिन किसे मोमन कोलो ना होवे, मुनाफिक कोलो होवे, बेईमान कोलो होवे, ठीक है जी। कैवें जिवें हजरत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम दे मुकाबले च जादूगर आए, ठीक है जी, उन्होंने वो अपन रस्सियां सट्टियां तो असाव जड़े ने संप बन गए, अजदहे बन गए, वो छोटे छोटे सप्पां नूं आपस खाण लग पे, ठीक है जी। फिर नबी अल्लाह दे जड़े चले गए तबलीग ते अल्लाह नाल मुलाकात वास्ते, तो लोगों ने पिछे सोने का बछड़ा बनाया जादूगरां ने, उन्दे विच रूह फूकी, वो आवाज़ भी आँदी सी, वो चलता भी सी, लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। इनू कहंदे ने इस्तेदराज। हुण आईए मोजज़ा हुंदा है लाज़मा नबुव्वत, ठीक है जी। मोजज़ा की हुंदा है लाज़मा नबुव्वत, जो अल्लाह अपने अंबिया भेजता है तो फिर कौम कहती है भी जे तुसे सच्चे नबी जे ते कोई गल एवें दी वहाओ जड़ी नामुमकिन है, इस वास्ते अल्लाह करीम अपने अंबिया मोजज़ा दे के भेजता है। अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम ने जो भेजा, बुलंद आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलात व सलाम नु भेजिया मौजज़ा दे के भेजिया, हजरत नूह नु भेजिया मौजज़ा दे के भेजिया, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम, हजरत यूसुफ, हजरत यूनुस, हजरत याकूब, हजरत दाऊद, हजरत हारून, हजरत अय्यूब, हजरत दानियाल, हजरत हारून, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अलगर्ज जितने भी अंबिया अल्लाह ने भेजिया मौजज़ा दे के भेजिया, जो कौम तकाजा कर दी अल्लाह के नबी वो मौजज़ा करके विखा दे, लेकिन जो तेरे ते मेरे करीम आकल ही सलात व सलाम नू कौम ने तकाजा की तना के मौजज़ा वखाओ, हुजूर ने अल्लाह दी तरफ इस तरह आवाज इस तरह निगाह बुलंद की थी, अल्लाह दी बारगाह च और अल्लाह दी बारगाह च ए दरखास्त पेश की थी कि या अल्लाह ए कौम मौजज़ा मांग रही है, ते अल्लाह ने फौरन जबरील नू फरमाया, जबरील हुक्म रब्बे जलील, फरमाया जा जा के मेरे महबूब नू दस, कद जा अकुम बुरहान मिन रब्बिकुम, मेरे महबूब इन्हां नू दस दियो मैं अल्लाह दे जिन्ने भी अंबिया पहले आए ने ना उन्होंने मौजज़ा दे के भेजिया, लेकिन प्यारे महबूब तुहानू सरापा मौजज़ा बना के भेजिया। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा वसीया। हुजूर पिछले अंबिया अल्लाह फरमांदा है मैं मौजज़ात दे के भेजिया, मैं आदम नु मौजज़ा दिता, मैं हजरत शीस नु मौजज़ा दिता, मैं हजरत नूह नु मौजज़ा दिता, मैं हजरत हारून नु मौजज़ा दिता, मैं हजरत मूसा नु मौजज़ा दिता, मैं हजरत ईसा नु मौजज़ा दिता, मैं हजरत इब्राहिम और इस्माइल नु मौजज़ा दिता, लेकिन प्यारे हबीब मैं तुहानू सरापा मौजज़ा बना के भेजिया, मेरे आका की पैदाइश मौजज़ा, मेरे आका का लड़कपन मौजज़ा, मेरे आका का शबाब मौजज़ा, मेरे आका की जवानी मौजज़ा, मेरे आका का जमीन ते चलना मौजज़ा, मेरे आका का उंगलियां दे विचो पानी दे चश्मे जारी कर देना मौजज़ा, मेरे आका दी बारगाह च पत्थरां दा कलमा पढ़ना मौजज़ा, मेरे आका दी बारगाह च दरख्तां दा हाजिर होना मौजज़ा, दरख्तां दी टहनियां दा दरूदो सलाम पढ़ना मौजज़ा, मेरे आका दा चंद दे दो टुकड़े करना मौजज़ा, टुटे चंद नूं तोड़ देना जोड़ देना मौजज़ा, सूरज नूं पिछा मोड़ना मौजज़ा, बगैर गुठलियां तो खजूरां नूं उगाना मौजज़ा, मेरे आका ने सलात व सलाम दा नमाज दी हालत जंगल जन्नत दे अंगूर दे होशियां नूं पकड़ना मौजज़ा, ओ मेरे आका दा जमीन ते चलना मौजज़ा, ते अरश तो गुजरना मौजज़ा। अल्लाह जिंदाबाद। अच्छा कुरान पाक की ये आयत है सुभान अल्लज़ी सुभान अल्लज़ी, हम जब कोई नात शरीफ पढ़े, तिलावत करे, तकरीर करे, खिताब करे, अल्लाह की कुदरत नु वेखी ते आप कहने सुभान अल्लाह कहते हैं ना जी अहबाब,
हुजूर अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक जिब्रील ने चाक क्यों किया, ये भी यही छोड़ के जा रहा हूँ। हुजूर दी मेराज की है, ये भी इत्थे छड़ के जा रहे हैं। आखिरी जुमला मोहब्बत, आप अच्छा काम जे जायज़ काम करिए तो कहने हैं सुबहान अल्लाह। मिसाल तुहानू दे दित्ती, इत्थे अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इत्थे हुवल्लाहु अल्लज़ी असरा बिअब्दिही भी हो सकता सी, ठीक है जी, हुवल्लज़ी असरा बिअब्दिही भी हो सकता सी, लेकिन इत्थे सुबहान अल्लाह ही क्यों फरमाया? बस आखिरी जुमला तवज्जो फरमा के सुन लो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जदों इन्नल्लाह अस्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, हज़रत जिब्रील अमीन नूं अल्लाह ने भेजा, फरमाया भी या रसूल अल्लाह, अल्लाह तुहाडी मुलाकात दा मुश्ताक है। तो जिब्रील आया, 70,000 नूरी मलाइक नाल लैके आया, जन्नती अमामा लैके आया, जन्नती लिबास लैके आया, जन्नती सवारी लैके आया। जिब्रील आया, उन्हें हुजूर दा सीना मुबारक चाक किया, नूर भरिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नती लिबास पहनिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नती अमामा पहनिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नती जड़ी बुराक सी उहदे ते सवार होए, ते 70,000 मलाइका की जमात दाएं ते बाएं, ते जबरील जदों उस बुराक की नकेल फड़ के ते अगे अगे चलिया ना, ते रब ने फरमाया महबूबा बड़ा सोहना पिया लगना है, सुबहान अल्लाह। रब ने फरमाया महबूबा बड़ा सोहना पिया लगना है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये सारा मौजू यहीं पर रह गया यार, जिंदा सोहबत बाकी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। लाखों सलाम शमाई बज़्मे खो सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेला खो सलाम आप आए तो गरीबों के दिन गए, आप आए तो गरीबों के दिन फिर गए, कमली वाले की आमद पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे ला चेहराए मुस्तफा असल कुरान है चेहराए मुस्तफा असल कुरान है आशिकों की तिलावत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो अबू बकर उस्मान अली अबू बकर उस्मान अली चारे यारों की अजमत पे लाखो सला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अज़्दो फैले गो से आ जमर गंज बख्शे फैज़े आलम सदकाए इमाम आ ज
आज़म सदकाए फारूक आज़म दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम अलैका ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल असा तेरी याद दा दीवा बालिया जनाब हजूर की बुला आलम का बयान से छोया मेरे मौलान ने हदीसा सुनाइया ने या अल्लाह इन्होंने हदीसा से या अल्लाह तमाम मुसलमानों या अल्लाह अमल करने की तफीक अता फरमा हजूर अले सलात व सलाम का सदका या अल्लाह हर मुसलमान से अपना करम और फजल अता फरमा मेरे दोस्त ने उन्होंने फालज की वजह कोई परेशानी है या अल्लाह तेन नबूवत वाले नबी का सदका नबूवत वाले शाना वाले नबी का सदका मेरे मौला इनको तंदुरुस्ती सेहत या अल्लाह जिस्मानी रूहानी बीमारियों तो महफूज फरमा जमीनी आसमानी परेशानियों से महफूज फरमा या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इस पर करम फजल अता फरमा या अल्लाह अलामा साहब बड़ी दूर तो दराज से चल के आए हैं मेरे मौला इन्हों का आना जाना अपनी बारगज कबूल फरमा हजूर का सदका हजूर दी आले पाक का सदका मेरे मौला जो कुछ इन्हें सुनया सुने सुनाया साड़ी बारगज जो कुछ भी इन्होंने सुनाया असं सुने मेरे मौला तेनों तेरे नबी का वास्ता ही आला जे अमल करन दी तफीक अता फरमा कारी साहब के मालो जान के अंदर खैर बरकत अता फरमा इन्हों के रिज़क के अंदर इजाफा अता फरमा तंदुरुस्ती सेहत अता फरमा या अल्लाह जिंदगी शान वाली अता फरमा या अल्लाह अपने करम अपने फजल के नाल इन्हों के इलम के अंदर इजाफा अता फरमा या अल्लाह जिस तरह असी आका अलैहि सलातो व सलाम की मुहब्बत के अंदर कुछ लम्हा गुजारिया मेरे मौला हसन तमाम अहले इलाका इस इस तरह इकट्ठे हो गए तो आका अलैहि सलातो व सलाम दी या अल्लाह सरकार दियाँ सोहनिया सोहनिया गल्ला सुनन दी और सरकार दे सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह असी गुनाहगार हाँ या अल्लाह इतने नेक नहीं या अल्लाह परेशान हाँ या अल्लाह कभी करोने की वजह नाल कभी किसी चीज़ की वजह नाल कभी किसी बीमारी की वजह नाल या अल्लाह तू बेहतर जानना मेरे मौला सदका नबी दा साडे हाल ते रहम फरमा साडे हाल ते रहम फरमा ये करोने जैसी बीमारी या दूसरिया जो बीमारियां तो महफूज फरमा या अल्लाह अपनी रहमत अपने करम अपने फजल देना साडे हाल ते रहम फरमा या इलाकी दिखा दे वो मदीना कैसी बसती है मेरे मौला जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है या अल्लाह भाई मोहम्मद शबाज साहब ने कुरान मजीद दी या अल्लाह तालीम हासिल की है हिफज किया या अल्लाह इस हिफज के उत्ते या अल्लाह उन्होंने कायम और दायम अता फरमा आगे भी उन्होंने इलम हासिल करने की तफीक अता फरमा या अल्लाह जिस मसलक नू जिस या अल्लाह अकीदे नू तू पसंद करना है तेरा महबूब पसंद करता है मेरे मौला सानू सारे उस अकीदे ते चलन की तफीक अता फरमा सानू उस अकीदे ते चलन की तफीक अता फरमा या अल्लाह जेड़े लोग परेशान ने रिश्तों की वजह नाल कारोबार की वजह नाल अपने घर की वजह के नाल या अल्लाह जिस तरह भी परेशान है तू रहमान है तू रहीम है तू बेहतर जानना है मेरे मौला उनकी तमाम या अल्लाह परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह तमाम दिया परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह बेघरां नू गर्व अता फरमा बेसहारा नू सहारा अता फरमा या अल्लाह जिन्हां दे वालदां दुनिया तो चले गए ने सदका हजूर दी आले पाक दा सदका हजूर दी आल दा मेरे मौला उन्हां दे वालदां दी या अल्लाह बख्शिश फरमा उन्हां नू जन्नत च आला तो आला मकाम अता फरमा या अल्लाह अपने रहमत अपने करम दे नाल हजूर अले सलात व सलाम की या अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमा या अल्लाह जिन्हां दे वालदां हयात ने या अल्लाह तैनू हज़रत अब्दुल्ला दा वास्ता सरकार दी वालदा माजदा हज़रत अम्मा आमना पाक दा वास्ता या अल्लाह उन्हां नू तंदुरुस्ती सेहत अता फरमा सारे बच्चों नू माँ बाप का अदब ते इतराम करने की तफीक अता फरमा या इलाही बहक्के मोहम्मद रसूल गुनागारों की दुआ को करो कबूल और सल्लल्लाहु ताल
خیر خلقہ ہی سیدنا و مولانا محمد اجمعین